श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 97 सीता का शपथ ग्रहण और रसातल में प्रवेश। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जनसमुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं, सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वो सब ठीक है। ब्रह्मा, आपके इन निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकावाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्रह्मा, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था, अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं ये भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं, तथापि जनसमुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ गए। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, समस्त साध्य देव, सभी महर्षि, नाग, गरुड़ और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्नचित हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुंचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सुरश्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। तदनंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभकारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव मंदगति से प्रवाहित हो सब ओर से वहां के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्रचित हो प्राचीन काल के सत्ययुग की भांति यह अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपनी आंखों देखी। उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी। सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े, दृष्टि और मुख को नीचे किए बोली, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा, मन से चिंतन भी नहीं करती। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ, जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से विभूषित महाप्राक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्नचित हो इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे।
कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यानमग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहां आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। दो घड़ी तक वहां का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया।